सारी गाड़ियां जब साथ चलेंगी कैसी दिखेंगी। तो गाइस सीन हो गया गाइस, किलर। तो ये बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप आ चुके हो अपने फेवरेट कैमरामैन के पास। आज आपको दिखाएंगे ऑफ रोड। जैसे आपको पता है कि बोनेट खुला हुआ है तो ज्यादा कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली ये फ्यूज है, ये उड़ गया है। फिर हमने इसको डायरेक्ट किया, जब डायरेक्ट करने वाली वायर आप देख सकते हो बहुत पतली लगी है, तो ये भी एज अ फ्यूज ही काम करेगी इनके शॉर्ट होता है। तो ये सेंटर लॉकिंग का फ्यूज है, जल्दी से करते हैं इसको इंस्टॉल। फ्यूज हो चुका है इंस्टॉल, तो आई होपफुली अब अपनी सेंटर लॉकिंग काम करनी चाहिए। बाकी भाई ये आ गई अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर जो हमने GRS में कन्वर्ट की है। अगर आप इसके साथ ऑफ रोड देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ, आप बोलोगे तो भाई लेके जाएगा। आफ्टर हम एक वीक के बाद स्टार्ट कर रहे हैं आई थिंक रफली। नो धुआं, इट्स अ गुड थिंग। नेस्कैफे जा ही रहे थे तो ये हमें मिल चुकी है अपनी पहली गाड़ी, द वन एंड ओनली पायरेट। क्या हाल है, ठीक हो? हेलो। तो भाई नो डाउट ना, शिव भाई की गाड़ी पीछे से तो बहुत प्यारी लगती है। और जो ये है ना भाई, मतलब आई एम अ मुस्लिम बट आई रियली लाइक दिस सेइंग, वीर भोगे वसुंधरा, विच मींस द स्ट्रॉन्ग शैल टेक ओवर द अर्थ। तो भाई अभी देखा आपने, जैसे हमें भाई मिल गए, तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बड़े रिस्पॉन्सिबली चलाओ। हम अपने छोटे भाइयों का प्यार अपने साथ रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। बट आपने सेफ होके चलाना है, कभी भी बाइक पे ना रैश नहीं करना है, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे को हम चला रहे हैं ना, हमने भी सीट बेल्ट बांधी हुई है। बाकी भाई आपके साथ है, आपको नॉलेज देगा हर एक पार्ट में, भाई आपसे नॉलेज लेगा भी। आ चुके हम सिद्धा नेस्कैफे, ये आ गई अपनी गाड़ी, ये आ गई शिबिया की गाड़ी, ये आ गई ध्रुव भैया की गाड़ी, तो ये आगे मनप्रीत भाई की गाड़ी। अभी सबसे आपको मिलवाते हैं और अभी और जो गाड़ियां आ रही आपको दिखाते हैं। बट आप देखो सारी गाड़ियां जब साथ चलेंगी कैसी दिखेंगी। सबसे पहले आगे हैं ध्रुव भाई, रिचुअल पता है raging.dhruv, सारे जाके फॉलो करो। क्या ले मनप्रीत भाई, ठीक हो? अपना यूजर नेम बताओ इंस्टाग्राम का। MS Power। कि यार देखो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, फोन पे बिजी डीलें चल रही है मिलियंस की। हेलो पायरेट्स, क्या चल रहा है? क्या ले पायरेट्स, बढ़िया बढ़िया। शिवदेव 33 है यूजर नेम, पायरेट्स में हम प्यार से बोलते हैं। अभी यहाँ पे वेट ही कर रहे थे तो हमें मिल चुके हैं शार्कोर भाई है। तो बाकी रेगुलर देख रहे हो व्लॉग, पसंद आ रहे हैं? थम्स अप कर दो फिर। पापा भी देखते हैं? हाँ पापा भी। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया। मैम मदर भी देखते हैं? चलो पसंद आ रहे हैं मैम आपको? चलो ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू भाई। ये आ गई पर भाई की सियाज, तो ये भी बहुत मॉडिफाइड है। अगर आप लोग इसमें रिव्यू देखना चाहते हो तो सरों ने नीचे कमेंट करना है। इसमें बहुत सही म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई का इंस्टाग्राम आ गया पर 54, सारे जाके भाई को फॉलो करो। ओ हो हो हो, शादी में कॉन्ट्रैक्ट करते हो? डीजे भी देगा? नहीं, डैम्पिंग की मुझे लगता है पूरी दुकान पर भाई ने अपने पास रखी हुई है। अपने किलर भाई भी आ चुके हैं और धूल उड़ाते हुए। जी भाई क्या हाल है? क्या हाल है भाई, ठीक हो? ईशान 8.7 ठीक है। पर भाई क्या हाल है, ठीक हो? क्या इंस्टाग्राम आपका? 0.8.7। तो भाई सारे जाके भाई को फॉलो करो, ये हमारे किलर भाई के छोटे भाई है। अपने सादिक भाई भी आ चुके हैं। ओ हो, आज पटका शटका बांध के आए हैं भाई, शीशा नीचे करो भाई। क्या हाल है भाई, सादिक भाई ठीक हो? जब दो ब्लॉगर मिल जाते हैं गड़बड़ हो जाती है, पता ना आपको। तो भाई भाई का यूट्यूब है सादिक मलिक, सब जाके भाई को सब्सक्राइब करो। कि अपनी एक और गाड़ी भी आ चुकी है जिनका नाम है सोल ओल्ड रमन भाई। बाकी अपने मनप्रीत भाई बी फार्मेसी भी आ चुके हैं। क्या हाल है जी, ठीक हो? क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया। भाई ये आगे अपने रमन भाई, रमन भाई अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम बता दो। सोल ओल्ड भाई, सबकी जो यहाँ लुक है वो एक साइड, और अपने इन भाई को देखो। मनप्रीत भाई थोड़ा, मनप्रीत भाई साइड होना भाई, थोड़ा साइड हो जाओ भाई। अपना गैंगस्टर भी आ चुका है, स्मॉल टाउन राइडर भाई। अभी निकल चुके हैं नेस्कैफे से ऑफ रोड वाली लोकेशन पे, जल्दी से चलते हैं ऑफ रोड लोकेशन पे, फिर देखते हैं क्या सीन्स रहते हैं आगे के। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Oh, Janu bhai. भाई बिग फैन, भाई बिग फैन, बिग फैन भाई। तो भाई यार बड़े दिन बाद ऑफ रोड की फील आ रही है एक्चुअली, बहुत सारी गाड़ियां आज अपने साथ। आप देख सकते हैं तार बैठ गई है अपने फ्रेम के ऊपर और फंस गई है, अब उसको मना कर रहे पुश करने के लिए। और इस गाड़ी को निकालना हमें, और ये भी धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया वाली गाड़ी भी। तो आज मुझे लगता है ऑफ रोड की जगह रिकवरी कंटेंट ही बनेगा, क्योंकि दो दो थार फंस चुकी है बीच में वहाँ पे।
तो भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इतने में कांड पे कांड हो चुके हैं। वो देखो रमन भाई की गाड़ी फंस चुकी है, ये ईशान भाई आ रहे हैं, बिल्कुल क्रेजी हो चुके हैं, क्रेजी एकदम। वो आगे शिव भाई, वो आगे आदिल भाई, वो गगन भाई वहाँ फंस, और ये जानू भाई जा रहे हैं। पता नहीं आज मुझे लगता है ये गाड़ी दो टायरों पे ही आएगी वापस। मजा देंगे हम इसका, मजे का मतलब, मजे मजे का मतलब तरुण भाई और मैं ही जानते हैं ये मजे का क्या मतलब है। भाई दो गाड़ियां ऑलरेडी फंस चुकी हैं और भाई तीसरी गाड़ी देखो अब जा रहे हैं अपने शिव भाई। शिव भाई फंसा दो जाके, देखो भाई ये बेसिकली प्लेग्राउंड बन चुका है। वो अपने ईशान भाई, अपने शिव भाई, इतना केओस मच गया ना, कोई मानने को तैयार ही नहीं है भाई। तो भाई अब हम जा रहे हैं जाके करते हैं रिकवरी। ओ आज तो वैसे तरुण भाई की रिकवरी। ओए 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 ओए, टीम खराब है गाइस। अरुण भाई इसुजु लगाओ यहाँ पे, ले ले पकड़ो। हम थोड़ा फन करने, ऐसे हम ज्यादा रिकवरी पे रहते हैं, आज हम भी फन करेंगे। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि तरुण भाई आगे रिकवरी के लिए। पे शोएब भाई विंच करते रिकवरी करते हुए रमन भैया की। तो भाई दो रिकवरी नहीं होनी चाहिए, देखो तरुण भाई को हमने निकालने भेजा था बट वो खुद ही फन करने लगे और तरुण भाई भी आ रहे भागते हुए। स्टीयरिंग के लिए बोलो ना, सुनने को क्या है, स्टीयरिंग काटो। तो एक थार भी ये भी फंसी हुई और बाकी भाई ऑफ रोड करने लग गए थे, तो सबसे पहले फंसी थी, सबसे पहले फंसी थी, बिल्कुल निकालते भाई आपको, आपको भी अभी बिल्कुल। तो अब ये वाली गाड़ी जो अटकी हुई है इसका ऑलमोस्ट ड्रम के पास यहाँ पे फ्रेम पे बिल्कुल अटकी हुई है गाड़ी। तो अब तो तरुण भाई की सुजु में भी विंच लग चुका है और ये हमारे सादिक भाई। सादिक भाई हेलो करें। सादिक ने फंसाया है, ये फंस गया सी है सादिक भैया यार। अबे विंच आउट होना शुरू हो गई गाड़ी और ईसु तुम बैठे पर भाई, ये सब पर भाई की ताकत है, विंच की ताकत नहीं है ये। ये क्या क्या हम चाहते हैं कि ऑफ रोड से सारे अपनी गाड़ियाँ सुंदर सुंदर तरीके से वापस ले जाए। हमने सोचा, हमने तो पहले गंदगी कर ली थी, पर पहले ये किया क्या मुझे ये बता दो। आ चुके हैं आप अपने फेवरेट कैमरामैन के पास, कैमरामैन की आवाज पहले बैठ चुकी है। सादिक सादिक भाई को फिर यहाँ पे खिला करें। भाई एक्चुअली क्या है कि जब से इसमें एआरसी लग रहे हैं ना उसके बाद हम ऑफ रोड पे ना बड़ी स्पीड में भगाते हैं गाड़ी, क्योंकि ये एक तो जंप नहीं लगते इतने। बाकी अब आप देखो आपको दिखाते हैं थोड़ा ग्लिम्स। तो अभी जाएंगे यार पत्थरों वाले ट्रैक पे, एक्चुअली लेट बड़ा हो गए हम लोग, थोड़े बिजी थे अपनी बात बात कर रहे थे, इतने में दो तीन गाड़ियाँ ऑलरेडी फंस गई।
और चलते हैं जल्दी से लोकेशन पे। आज देख सकते हो आप पुरानी मॉन्स्टर थारे बड़ी हमारे साथ, देख सकते हो वो भी इतनी बड़ी है, ह्यूज है, ये भी इतनी ह्यूज है, और ये कैमरा ना जस्टिफाई नहीं करता। भाई जानू भाई क्रेजी है क्रेजी। तो ये जानू भाई की फिटनेस की हुई है और ओ भाई बैठ गई है तो गाइस सीन हो गया गाइस। किलर ये क्या किया किलर, 22 इंच का टायर का है और वो देखो जानू भाई सादिक भाई पिंच सादिक भाई गाड़ी निकालेगा तो कितना दर्द है सादिक भाई भी अंदर चले गए उसमें। गाइस सीन खराब है आज भाई, पहले एलओआई दिख रहा था। और प्लेट भी मिल गई है फाइनली। ये बोलो आप बच गए बंपर बार आ रहे हैं आप तो या मत जाना तरुण भाई, अंदर चले जाएंगे दोनों। वो बंपर वो नीचे से टूट गया। ये किलर 8777 देखना सर में मत मार देना। ओ रब्बा ओ जादू रुचि निकला। आज आपको ऑफ रोड एडवेंचर करवाएंगे गाइस। नहीं गाइस गाइस चेक करो गाइस। वैसे मैं आपको सच बात बताऊं, जानू भाई का फटना पड़ा है जरूरी था। ये मानते हैं तुमसे है नहीं ये अपनी गाड़ी बताते हैं ये फिर आप भाई शिव भाई ने बोला मुझे बता देंगे। जानू भाई की गाड़ी ये फंसी हुई है और ये सारा ही दलदल है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि गाड़ी वहाँ लगा सके पक्के में और उसके बाद निकालने कोशिश करें। तो ये बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी है, इनसे भी एक बार ट्राई कर लिया तो इतना ज़्यादा वेट हो गया था गाड़ी धंसने के बाद की उसकी वजह से इसुज़ू भी धंसने लग गई। तो अभी इसुज़ू की लोकेशन चेंज कर रहे हैं ताकि वो थोड़े पक्के से ग्राउंड पे रहे और उसके बाद ही इसको पुल कर सकते हैं हम लोग। बैठी हुई गाड़ी फ्रेम पे, थोड़ा सा भी नहीं हिल रही है। अब दो विंस लगा रहे हैं, एक इसुज़ू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एक थार 700 के साथ कनेक्टेड है। दोनों गाड़ियों कोशिश करेंगे पैरेलल रखने की, तो अब दोबारा ट्राई करेंगे। हमने दो विंस केबल बांधी हुई है, एक विंस केबल आ रही है तरुण भाई की इसुज़ू से और दूसरी विंस केबल आ रही है शिव भाई की थार 700 से और निकलना शुरू हो गया देख सकते हैं। ये जगह थी जहाँ अटकी थी भाई, ये वो जगह थी। गौर से देखिए जगह को, गौर से देखिए जगह को, ये वो जगह थी जहाँ पे इस गाड़ी का तो बेंच निकाल लिया और फिर से ऑफ रोडिंग का जज्बा आपको पता ही है। जानू भाई
छानू भाई निकाल के दम लेंगे। तो भाई फाइनली जानू भाई की गाड़ी निकल गई है। जानू भाई कैसा लगा आपको? आपने बोला कंटेंट दे, कंटेंट के चक्कर में मेरी गाड़ी फंसवा दिया आपने। जानू भाई आपको लगता है भाई ऐसा करेगा? तो भाई जानू भाई की गाड़ी, ओ भाई ये तो कलर ही चेंज हो गया इसका। चक्कर हो गया गाइस, नया आया मार्केट में। फिर जा रहे हो? मैं पायरेट्स का काम है पानी में रहने का, ऐसी सूखी जगह पे अच्छी नहीं लगती। क्या क्या ध्रुव भाई क्या बोला? क्या अभी क्या बोला? गाइस निकल गई गाड़ी, आज मेरी विश्वास नहीं है ये फंस जाएगी। तो भाई अभी आ रहे हैं शिव भाई फिर से वापस। हाँ। और जानू भाई के टायर का वॉल्व भी खराब हो गया तो वो टायर भी बैठ रहा है। रमन भाई का टायर पंचर हो गया, आज बहुत एक्सट्रीम हो गया। और ये आइडिया शिव भैया का था पहले कि जानू भाई यहाँ से थार लेके आए। और भाई सीन भी हो गया कि जानू भाई की जो थार है उसका ना जो वॉल्व होता है वो लीक हो रहा है। तो गाड़ी बैटरी टायर बैठ रहा है, पता नहीं आपको नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा है। भी आ चुके हैं हम थार 700 के अंदर, अब चलते हैं जल्दी से रिकवर करते हैं शिबिया को। शिबिया बहुत गंदी तरह फंस गए। ये भैंस चला रहे हैं, भैंस चला रहे हैं आगे, वो भैंस चलाने वाला चल रहा है और ये भैंस चल रही है पीछे। तो भाई अभी जा रहे हैं शिबिया को रिकवर करने, तो बने रहिए व्लॉग में। बाकी भाई बहुत एक्सट्रीम हो चुका है अभी। जान दो सादिक भाई। और एक और गाड़ी बैठ गई अभी, लो अभी बस बात करना शुरू ही किया था। बैठ गई आज सादिक भाई भी फंस गए। ये क्या काम किया आपने? भाई मैं सोचा यहाँ पर थोड़ी देर गाड़ी रखता हूँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे ये ट्रैक ना पिछले ज्यादा साफ लग रहा था, यहाँ तक गाड़ी नहीं गई थी, मुझे लगा कि ये कुछ नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता था कि गाड़ी फंस जाएगी। तो ये सादिक भाई का YouTube चैनल आ रहा है, ये सादिक भाई का YouTube चैनल आ रहा है, सारे जाके चेक करें। और सादिक भाई ने तो फंसा दी भाई गाड़ी पर। भाई सोच रहे थे कि मेरा काम खत्म हो गया। अगर हमारी ग्रुप में कोई बंदा है ना तो वो भाई ये था कुछ आज का ऑफ रोड। तो अब चलते हैं ऊपर और होपफुली अब कोई गाड़ी ना फंसे। बाकी सबने बहुत फन किया आज, आज हमारा ट्रैक करने का मोटो था बट वो कर नहीं पाए। तो भाई आज का रिकवरी का पूरा क्रेडिट जाता है पर भाई को, उनको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उन्होंने बहुत मेहनत किया यार, वो लिटरली सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है। तो ये मैं उनको ऑफ कैमरा तो अभी नहीं बोला बट ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत मेहनत की आदमी है भाई, बहुत मेहनत। थैंक यू पर भाई।
भाई के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऊपर सब फोटो शूट करा रहे हैं, भाई को यहाँ नीचे छोड़ दिया है। तो भाई अभी जा रहे हैं ऊपर फोटो शूट, मेरी भी खींच यार। तो भाई ये टूट गया है जेरी कैन एक्चुअली, तो ये अब शिव भाई निकाल ही रहे हैं पानी भी तो भाई कोई तेल समझ के वो ना डाल दे इस पे। ओए ओए पानी नहीं है ये, एक कैडबरी है, कैडबरी। तो भाई अभी हम यहाँ पे जा ही रहे थे तो हमें मिल चुके हैं एयान भाई। एयान भाई क्या हाल है, ठीक हो, व्लॉग्स देख रहे हो? तो सर भी आए हुए, सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। चलो भाई आपसे भी मिलके बहुत मजा आया, आप भी देख रहे हो मजा आ रहा है? चलो बढ़िया बढ़िया। गाड़ी हैंड ओवर कर दिया है, अब यहाँ पे इसकी बढ़िया से वॉशिंग होगी, फिर जैसे वॉशिंग हो जाती है आपको दिखाते हैं। आ चुके हैं हम पर भाई की सियाज में। दिस साउंड सिस्टम इन द व्हीकल इज मोर पावरफुल देन इट्स इंजन, प्लीज वेयर अप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन। वो एक साइड, बट पर भाई ने जो आज रिकवरीज किया ना यार, मतलब दिल खुश कर दिया भाई ने। तो भाई हमारे पास तो और कुछ नहीं है, बट हाँ भाई का इंस्टाग्राम फिर मेंशन कर रहा हूँ, PARV54। तो भाई सारे जाके उनको फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। तो भी अपनी गाड़ी वॉश हो रही है, हम आराम से बैठ गए यहाँ पे, वॉश हो रही है गाड़ी को। भाई ये थी कुछ आज की वीडियो, आई होप ये आपको पसंद आएगा। जैसे आपने लास्ट वीडियो में कमेंट किया कि आपको एविएशन फन फैक्ट पसंद आते हैं, तो आज का एक और फन फैक्ट कि अगर आप एक 2 इंजन एयरक्राफ्ट के अंदर हो, उसका एक इंजन कम्प्लीटली फेल हो जाए, तो वो एयरक्राफ्ट डिजाइंड होते हैं कि वो सेफली जाके अपने रनवे पे स्टॉप कर सके और नॉर्मली चलेगा। ये था आपका फन फैक्ट। बाकी आप लोगों ने सपोर्ट करना है अपने भाई को, क्योंकि भाई अभी नया है, भाई आपके सजेशंस के लिए ओपन है। बाकी यार कीप सपोर्टिंग SQV फैमिली। थैंक यू।